I treat pigmented skin as delicately as I would treat burnt skin. तो मैं उतने ही ध्यान से और उतने ही केयर के साथ में हमें ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि पिगमेंट इशू को ठीक करना इज अ वेरी बिग चैलेंज। मैम कुछ ऐसे मिथ्स या फिर मिसकंसेप्शन है स्किन केयर को लेकर जो आप एड्रेस करेंगी? देखिए हमारे कंट्री में सरप्राइजिंगली द मिथ्स रिगार्डिंग स्किन केयर आर क्वाइट प्रेवलेंट। एक बिलीफ सिस्टम ये है कि हम तो स्किन पे कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि स्किन खराब हो जाएगी, दैट इज वन मिथ। एंड एट द अदर एक्सट्रीम आई हैव पेशेंट्स हु आर यूजिंग 5-6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स कंटिन्यूअसली ऑन द स्किन कि मेरी स्किन इंप्रूव हो जाएगी। सो उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगी एंड के आपका स्किन केयर रूटीन आपके स्किन के हिसाब से, एज के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से, इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज समथिंग व्हिच इज फॉर्मुलेटेड स्पेसिफिकली फॉर अ कंडीशन। उसको आप रेगुलरली यूज कीजिए, इट कैन डजंट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड, इट कैन बी वेरी सिंपल, बट यूजिंग समथिंग इन माय ओपिनियन इज बेटर देन यूजिंग नथिंग एट ऑल, क्योंकि हमारा जो स्किन है वो हर 3 weeks में रिन्यू करता है। तो वी हैव टू हेल्प इन द एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन, तो उसमें हम लोग जो फेस फेस वॉशेज यूज करते हैं उसमें बेनिफिट करता है ताकि आपका अंदर से स्किन और ग्लोइंग हो। एंड आई कैनॉट एम्फसाइज इनफ दैट पीपल थिंक कि हम फेस के ऊपर लगा लेंगे पर हमारा विटामिन डी लो है, हम खाना नहीं खाते हैं, हम बाहर का कचरा खाते हैं, तो स्किन क्यों नहीं ग्लो कर रही। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नरिश योर स्किन फ्रॉम विद इन एंड एडिक्वेट वाटर इनटेक इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू स्टार्ट ऑफ विद। मैम आपने ये जो बात मेंशन की है वाटर, हम कहीं भी पढ़ते हैं इंटरनेट पर या फिर किसी से भी बात करते हैं तो सब लोग एक ही कहते हैं कि पानी पियो पानी पियो। कितना पानी पिए, मतलब एक अच्छी स्किन के लिए क्या सच में पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कितना लीटर पानी या फिर कितना ग्लास ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर स्किन? देखिए द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज बॉडी इज अबाउट 70% वाटर, तो पानी तो चाहिए, इट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल आवर बॉडी फंक्शंस एंड टू मेक द स्किन बी प्लम्प एंड हाइड्रेटेड। जनरली अबाउट 8-10 ग्लासेस इज व्हाट वी से कि वो कॉमनली चल जाता है कि आप 8-10 ग्लास विद 2.5-3 लीटर के बीच में एज पर योर as per your exercise regime or as per your lifestyle. Some people are unable to take that because they are traveling outside and those issues are there, but round about that much. Generally, aapko pata chal jayega ke if your skin is looking plump and hydrated, more or less you're having the sufficient amount of water, and if you're lacking glow, to sabse pehle pani pijiye. Bilkul ma'am, water to bahut hi zyada important hai. एंड अगर हम बात करें स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, अभी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में और हमेशा ऐसे कोई ट्रेंड चलता है, चारकोल आया, एलोवेरा आया, फिर सारे प्रोडक्ट्स उसी के आते हैं। अभी एक कोई है नीनासिनामाइड समथिंग तो अभी उसके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, तो ऐसे अगर हम प्रोडक्ट्स अपने फेस पर यूज कर रहे हैं तो क्या उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं एंड कितने वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, ये दोनों चीज़ें? देखिए जब भी आप कोई स्किन केयर रेजिम शुरू करते हैं, आई वुड डेफिनेटली एडवाइज यू टू कंसल्ट अ डॉक्टर इफ यू गोइंग फॉर एनीथिंग विद एनीथिंग मेडिकेटेड, चाहे सैलिसिलिक का फेस वॉश हो, चाहे नायसिनामाइड सीरम हो, चाहे रेटिनॉल हो, एक बार ही अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए कि आप जो यूज कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। अ 20-year-old गर्ल प्रोबेबली आई वुड नॉट वांट टू पुट हर ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल, आई वुड रादर गिव हर मोर सन प्रोटेक्शन एंड मोर हाइड्रेशन विद हाइलुरोनिक, तो एक बार ही पूछ लीजिए। सेकेंडली as a doctor, I always advocate that you use medicated products so that you get what you are promised. I am not a fan of cosmetic products because मुझे नहीं मालूम है कि if they are advertising a certain percentage of a product, उसमें वो है नहीं है और क्या क्या डाला हुआ है, उन्होंने cold chain maintain की है कि नहीं, so they are not really answerable in my opinion. So I will always say कि चाहे सस्ता ही हो but a drug based company उनका product is always better. मैम जैसे हम घर के भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बेसन हल्दी, ये तो हमारे मतलब दादी नानी के नुस्खे चलते आ रहे हैं, सो आर दे बेनिफिशियल, क्या हम यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली, देखिए जो हम लोग घर में यूज करते हैं दे ऑल्सो हैव दीज एक्टिव प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे वीट और बेसन वगैरह में फैटिक एसिड होता है, जो नींबू होता है उसमें भी एसिड होते हैं, बट सोच समझ के एंड अपनी हमेशा अपना पैच टेस्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एलोवेरा बोला, हल्दी बोला, सरप्राइजिंगली आई एम वेरी एलर्जिक टू हल्दी एंड एलोवेरा, तो बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग अ न्यू प्रोडक्ट उसका पैच टेस्ट कीजिए एंड डेफिनेटली यू कैन बेनिफिट फ्रॉम प्रोडक्ट्स लाइक हल्दी हो गया या आपका बेसन आप
आपको सूट करता है, अगर आपको दूध कच्चा सूट करता है, यू कैन डेफिनेटली यू नो दही में लैक्टिक एसिड होता है, ऑल दीज आर बेनिफिशियल प्रोवाइडेड यू यूज देम रेगुलरली एंड यू आर नॉट एलर्जिक टू देम. ओके, तो अगर होम रेमेडीज है वो यूज कर सकते हैं, बट पहले आपको एक बार टेस्ट करना पड़ेगा. दे आर जनरली एन एडजुवेंट एंड ऐड ऑन टू अ गुड स्किन केयर रेजिम. अगर आप कहें कि मैं कुछ नहीं करूंगी, पेशेंट से मूड होकर जा रही हूँ, आई शुड बी परफेक्ट, तो फिर दैट वुड प्रोबेबली बी टू मच ऑफ एन एक्सपेक्टेशन. ओके मैम, अगर जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि इसका एक हार्मफुल इफेक्ट हो गया है, मे बी रेडनेस? डेफिनेटली देखिए, अगर आप कोई स्किन के ऊपर प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो अगर स्पेसिफिकली आपको किसी ने बताया, जैसे वाइटमिन सी बताया या रेटिनॉल बताया कि 2-3 दिन के बाद में हल्की सी आपको ड्राइनेस हो सकती है, हल्की सी फ्लेकिंग हो सकती है, इनिशियली व्हेन यू पुटिंग इट टिंगलिंग हो सकती है, देन यू आर रेडी. एनी प्रोडक्ट कैन रिएक्ट ऑन एनी बडी स्किन, तो उसमें रेडनेस हो, इचिंग हो, बर्निंग हो, तो डेफिनेटली दैट प्रोडक्ट डजंट सीम टू बी वर्किंग फॉर यू. एंड जितना मर्जी महंगा हो उसको आप एक बार बंद जरूर करके देखिए कि डज योर स्किन एक्चुअली इम्प्रूव आफ्टर स्टॉपिंग. सबकी स्किन अलग अलग है, सबकी स्किन की जरूरतें भी अलग अलग है. मैम, अगर हाइपर पिगमेंटेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है, और इनफैक्ट मतलब मुझे भी हो जाता है, ये होता है क्योंकि पॉल्यूशन हर चीज़ है. तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हाइपर पिगमेंटेशन अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए और इसके कॉजेज भी क्या क्या हो सकते हैं. हाइपर पिगमेंटेशन इनफैक्ट हमारे कंट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज, एंड इट्स कर्टसी द सन, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ सन डैमेज होता ही है. देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस. वन कैन बी, एज आई सेड, यू नो कि सन डैमेज जल्दी लड़कियों की थोड़ी सी हमें पिगमेंटेशन होती है, वो लॉन्ग टर्म सन एक्सपोजर से भी होती है. सेकेंडली हॉर्मोनल इम्बैलेंसेस में, पीसीओडी एक्सेट्रा में हो सकता है, थायरॉयड डिसऑर्डर्स में हो सकता है, मेनी लेडीज गेट इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. So there are various certain conditions like type 1 diabetics mein kuch halka sa pigmentation ka issue bhi ho jata hai. So there are many reasons for this. Now when it comes to treating hyperpigmentation, what I feel after all my experiences, ki treatment number 1 jitni jaldi shuru kiya jaye beneficial hai, nahi to jo pigment hota hai wo skin ki deeper layers mein chala jata hai. To agar aap 4-5-6 saal ke baad mein aa rahe hain kahin ki mujhe pigmentation hai theek karo, bahut mushkil ho jata hai. Start early and use your doctor's advice. There are various ingredients and products that are available. They can be arbutin, you know, they can be a combination of retinol, there are others, tranexamic acid, very many ingredients, but again, and very many treatments also. Jahan tak mera khud ka sawal hai, I treat pigmented skin as delicately as I would treat burnt skin. तो मैं उतने ही ध्यान से और उतने ही केयर के साथ में हमें ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि पिगमेंटेशन को ठीक करना इज अ वेरी बिग चैलेंज. इससे अच्छा है कि इसको प्रिवेंट करें. प्रिवेंट करें, एज आई सेड, सन प्रोटेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी हार्मोनल इश्यूज, लो विटामिन डी एटसेट्रा, उसको आप एड्रेस कीजिए, उसको ट्रीट कीजिए, एंड यू विल फाइंड दैट योर स्किन विल ऑलवेज थैंक यू इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोइंग स्किन. Thank you so much. As I said, I keep a very simple skincare regime, but yes, I'm very particular about what I put in the body and nourish it and take care of it. That's very nice. अच्छा लगता है देखकर कि जब skin glow कर रही होती है. मैं freckles के लिए बात करें, so freckles can be cured or not? Yeah. देखिए, फ्रेकल्स जनरली बहुत ड्राई स्किन टोन्स में होता है, अगेन सन की वजह से. जनरली जो हमारे सन स्पॉट्स हो जाते हैं वो मेलानिन पिगमेंट की कलेक्शन की वजह से होते हैं. सो इट इज पॉसिबल टू ट्रीट इट विद करेक्ट सनस्क्रीन एप्लीकेशन, यू नो, विद लाइटनिंग एजेंट्स, एंड समटाइम्स वी आल्सो यूज सम लेजर्स टू रिमूव देम. बट हाँ, यू हैव टू बी क्वाइट केयरफुल दैट योर सन प्रोटेक्शन हैज टू बी रियली गुड, बिकॉज यू ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोन टू इट. जिनको एक बार ही हुआ है उनको पता है कि हम लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन जहाँ हम लोग धूप में गए, जहाँ हम लोग घूमने गए, तो फिर से थोड़ा सा हो सकता है. सो क्योर हो सकता है, लेकिन वापस भी आ सकता है. यस. ओके मैम, अब स्किन कैंसर की मैं बात करना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी स्किन कैंसर अगर है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? देखिए, स्किन कैंसर वी आर लकी कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हमारे में नहीं है, दैट इज थैंक्स टू आवर ब्यूटीफुल ब्राउन कॉम्प्लेक्शन व्हिच प्रोटेक्ट्स अस. बट हाँ, सर्टेन थिंग्स वी शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू. फॉर एग्जांपल, आपके स्किन पे कोई नया मोल आ गया है, कोई मार्क आ गया है, इफ इट इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, दैट नीड्स टू बी चेक. अगर आपके पुराना कोई मोल है वो सडनली ग्रो करने लग जाए, या अगर आपको लगे कि उसके मार्जिन इरेगुलर हो रहे हैं, या उसमें से कुछ पानी या ब्लड जिसमें कुछ निकल रहा है, यू नीड टू पे अटेंशन टू दिस इमीडिएटली. These are the basic, जो melanoma होता है उसकी वजह से ये सब हो सकता है. इरेगुलर मार्जिन हो, कोई आपको छोटी सी चोट या कुछ ऐसा घाव या अल्सर सा हो जाए हाथ में, कहीं पे भी हो जाए और वो हील ना करना हो,
अगेन यू डू नीड टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर। मैं जानना चाहूंगी कि बहुत से नए ट्रेंड्स आते हैं, बहुत सी नई चीजें आती हैं और हम इतने अवेयर नहीं हो पाते हैं, तो डर्मेटोलॉजी में भी कुछ ऐसा नया आ रहा है या फिर कोई ऐसा नया ट्रेंड है जो हमें पता होना चाहिए या फिर जिसको लेकर अभी हम अवेयर नहीं है? जनरली वी आर लकी कि हमारे जो डर्मेटोलॉजी के जो करंट ट्रेंड्स हैं वो इंडिया में बहुत जल्दी आ जाते हैं, सो वी आर लकी विद दैट। ऑफ कोर्स न्यू स्किन इंग्रेडिएंट्स दे कीप कमिंग इन, आजकल एसेंसेस दे आर fermented essences like galactomycin वगैरह इनका चल रहा है, काफी ट्रेंड चल रहा है, these are coming in. And as far as the treatment is concerned, I think there is more and more emphasis on hydration of skin these days. So more and more ingredients like hyaluronic हो गया या snail essence हो गया, treatments based around skin hydration. Like हमारे खुद के certain signature treatments are there. For example, we have double meso treatments, we have Instabright treatments, which are using different technologies together in one treatment. So these are becoming very popular. ताकि अच्छा रिजल्ट आए और एक ही सिटिंग में आए। ओके, मैम अगर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की बात करें तो ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो अभी है यहाँ पर इस स्किन केयर रूटीन में हम फॉलो भी कर सकते हैं और ऐसे कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आ रहे हैं? देखिए जहाँ तक स्किन केयर की हम लोग बात करते हैं तो एज आई सेड अगेन आई एम हार्पिंग ऑन दिस कि सनस्क्रीन जब हम रेगुलरली यूज करते हैं तो फाइन लाइंस जनरली नहीं होते हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ प्रोटेक्टिंग। द सेकेंड सर्टन इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन सी हो गया तो एक एंटी ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होता स्किन को, रेटिनॉल हो गया विच इज वेरी गुड फॉर प्रोमोटिंग कॉलेजन रीजनरेशन। साथ में हमारे इन हाउस ट्रीटमेंट्स होते हैं, मीजोथेरेपी इज अ वेरी पॉपुलर ट्रीटमेंट वेर वी इन्फ्यूज द स्किन विद हाइलुरोनिक, ऐसे हमारे कई ट्रीटमेंट्स आते हैं विच आर वेरी गुड फॉर एजिंग। ऑफकोर्स इट डिपेंड्स कि अगर कोई रेगुलरली कोई ट्रीटमेंट नहीं यूज कर रहा है, सडनली ये हमारे कंट्री में एक ट्रेंड है कि अनफॉर्चुनेटली लेडीज टेंड टू निग्लेक्ट देमसेल्फ एंड देन सडनली उनको होश आता है कि शादी आ रही है, अच्छा मुझे अभी बहुत बढ़िया लगना है, सो दैट बिकम्स अ चैलेंज इन विच केस वी डू समटाइम्स सजेस्ट सर्टन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स लाइक हम लोग फिलर्स देते हैं जहाँ पे कॉलेजन लॉस हो गया या हम लोग थ्रेड लिफ्ट्स देते हैं, सो दोस कैन ऑफ ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड ट्रीटमेंट्स आर समथिंग दैट आई स्वेयर बाय, उससे स्किन की रेगुलर टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग होती रहती है। ओके, सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, बस हमें उन्हें समझने की जरूरत है और जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही हम अपनी बॉडी या फिर अपनी स्किन को लेकर अच्छा फील कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैम टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू आई वुड रियली लाइक टू से इट वाज सो इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दोस वंडरफुल क्वेश्चंस सो आई कुड एक्चुअली रिस्पोंड टू देम एंड यू नो हेल्प इन गेटिंग द नॉलेज अक्रॉस टू द व्यूअर्स एज वेल एंड आई वुड लाइक टू थैंक योर व्यूअर्स आल्सो for taking the time to listen to me. Thank you so much.